आपको। क्वेश्चन ये था कि सर 10 ml ऑफ 1/2 नॉर्मल NaOH, 13 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल KOH एंड 75 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल BaOH का होल ट्वाइस आर मिक्स्ड, फाइंड फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो फाइनल नॉर्मेलिटी के लिए हमने N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 किया। जो हम आपको होमवर्क दिए थे उसमें हम क्या किए थे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मेलिटी जो गिवेन है उसके जगह पे हम मोलारिटी कर लिए थे। तो हमारा क्वेश्चन कैसे वेरी कर जाएगा? अब हमारा क्वेश्चन वेरी कर जाएगा कि सर जब आप मोलारिटी जो आप यहाँ पे एन फाइनल अब आप लिखने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 तो करना ही है आपको। बस अब क्या है सर, ये चेंज नहीं कर रहा है, 5 होगा। नहीं है सर यहाँ पे तो वॉल्यूम 98 भी होने वाला है, वॉल्यूम यहाँ पे 98 ही होने वाला है। सो क्या आ जाएगा सॉल्व करके? सो ये हो जाएगा सर 5 प्लस 1.3 प्लस कितना कर ले इसको, 0.4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 क्या यही होगा? क्या हम ठीक लिखे हैं? ये आ जाएगा सर 35 प्लस 1, 36, 36.3/98। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ये मोलारिटी, ये नॉर्मेलिटी। जो सीरीज ऑफ हम लोग फॉर्मूला देखे थे ग्राम इक्विवेलेंट का, क्या आप लोग ग्राम इक्विवेलेंट पे थोड़ा सा प्रैक्टिस किए थे कि ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? अगर हमें वेट पता है तो हम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी पता है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से इक्विवेलेंट वेट सकते हैं, मोलारिटी पता है तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम से हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू एन फैक्टर से हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या ये चार्ट पे आप लोग प्रैक्टिस किए थे या नहीं किए थे? उसके बाद हम लोग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि सर अगर एसिड एसिड में दो एसिड का मिक्सचर ले तो फाइनल नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल कंसेंट्रेशन। टू बेस को अगर मिक्स किया जाए तो कैसे निकालेंगे, एसिड में बेस मिक्स किया जाए तो कैसे करेंगे नॉर्मलिटी, फाइनल सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अपने पास एक और है, इसको देखते हैं आज के लिए। 100 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑफ 0.5 मोलर HCl एंड 200 ml ऑफ 0.25 मोलर H2SO4 H2SO4 आर मिक्स्ड टुगेदर विद 10 ml ऑफ आर मिक्स टुगेदर विद 10 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH, 0.2 नॉर्मल NaOH। फाइंड द नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइंड द नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो जिसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, सर आप टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकाल लीजिए और टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकाल लीजिए। जिसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन का नेचर वैसा ही होगा। चलिए सर देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अगर एसिड निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, तो सर 100 इंटू
0.5 इनटू एचसीएल का एन फैक्टर 1 होता है, सो आप 1 कीजिए। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो 10 रेज टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम को लीटर में लीजिए। हालांकि आप एमएल में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, नो इशू। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप ये कर सकते हैं ऐसे काम। तो ये हो जाएगा सर 5 × 10⁻²। क्या हम ठीक लिख रहे हैं? ये 2 है, यहाँ पे हम मैनेज किए हैं एक 2 को यहाँ पे 5 से। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अभी हमें को प्लस कर देना चाहिए H2SO4 के लिए भी। तो 200 ml × 0.25 molar × N⁻²× 10⁻³ फॉर क्या करें इसके लिए, फॉर लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 25 × 50, 0.5 ही आ जाएगा ये। सो 0.5 और 200, तो 5 × 20 मीन्स 100। हम इसको कर देते हैं 10 × 10⁻², ताकि कॉमन करने में इजी होगा, हम लिख पाएंगे 15 × 10⁻²। क्या हम करेक्ट लिखे हैं ये बात चेक कीजिएगा, थोड़ा सा चेक कीजिए थोड़ा, क्या ये करेक्ट किए हैं हम? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या लिया गया है? 10 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH, 10 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH, सो 10⁻³ भी कीजिए, × 10⁻³। तो ये हो गया सर 2 × 10⁻³, ठीक है ना? तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि बेस का इक्विवेलेंट कम है, सो मिक्सचर जो होगा वो एसिडिक होगा। मिक्सचर इज एसिडिक इन नेचर। नो इशू, मिक्सचर इज एसिडिक इन नेचर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज? चलिए कुछ इनऑर्गेनिक के हेल्प के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉलिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉलिड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉलिड, जितने भी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं, ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, कार्बोनेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट को अगर आप हिट कीजिएगा तो ये हाईली स्टेबल होता है, ये डिसोसिएट नहीं करता है, थर्मली स्टेबल होता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप सेकेंड ग्रुप एलिमेंट लाइक कैल्सियम कार्बोनेट को अगर आप हिट करिएगा तो कैल्सियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो ग्रुप सेकेंड का तो ये नेचर है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि लिथियम हैविंग डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम, लिथियम की वो लिथियम की सारी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैचअप करता है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें उस चीज को एज ए एक्सेप्शन समझना होगा कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप में लिथियम कार्बोनेट ले लिए, Li2CO3 ले लिए सर, लिथियम कार्बोनेट, और इसको अगर आप हिट कीजिएगा तो सर ये टूटेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो मैग्नीशियम जैसा है ना, और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट टूटता है ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो सर ये भी ऐसे ही टूटेगा और ये दे देगा आपको लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो सर क्या ये रिएक्शन हमें अलग से याद रखना है? नहीं,
हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल होता है, हीट करने पे ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और लिथियम की प्रॉपर्टी चूंकि मैग्नीशियम से मैच करता है, सो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं वो लिथियम वैसा ही सेम प्रॉपर्टी लिथियम शो करता है, ये होता है सर अनस्टेबल। क्लियर है ये? अगर हम ग्रुप टू की बात करें, मेरा खराब कर यस सकते सर। हैं। कार्बोनेट ऑफ ग्रुप टू, इसको अगर हिट करेंगे तो यू गेट द ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है और ये सॉलिड। ठीक है ये चीज। ये तो बात थी कार्बोनेट की। बाय। बाय बाय कार्बोनेट के साथ क्या होता है? जो ग्रुप फर्स्ट का बाइकार्बोनेट है बाइकार्बोनेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट को अगर आप हीट करिएगा तो आपको मिलने वाला है कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। एग्जाम्पल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करना है या टू लगा दीजिए, नो इस। ठीक है, अब क्या होगा कि ये फर्दर तो डिसोसिएट होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट स्टेबल होता है। अब यहीं पे बात आपको दूसरा चीज याद हो जानी चाहिए कि सर अगर कार्बोनेट इस तरह का रिएक्शन देता है तो बाय कार्बोनेट अगर इस तरह का रिएक्शन देता है तो अगर हम सेकेंड ग्रुप का बाय कार्बोनेट देखेंगे तो उसका नेचर कैसा होगा? तो आप देखिए क्या होगा। ग्रुप सेकेंड के लिए अगर हम बोले तो हम बोलेंगे कि सर जो बाय कार्बोनेट होगा ना, बाय कार्बोनेट आप यही याद रखिए, ग्रुप बाय कार्बोनेट ऑफ ग्रुप सेकेंड ऑन हीटिंग गिव्स कार्बोनेट। लेकिन सर सेकेंड का कार्बोनेट स्टेबल नहीं होता है ना, आप हीट कर रहे हैं तो वो तो फर्दर टूट जाएगा, किसमें? ऑक्साइड में। तो इसका मतलब हम कार्बोनेट ना लिख करके हम लिखेंगे ऑक्साइड प्लस H2O प्लस CO2। अरे याद हुआ या नहीं हुआ बोलो। अगर सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस अगर आप इसको हीट करेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलेगा पहले, लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है नहीं ना, तो वो फिर फर्दर टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो पहले तो मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मिला, लेकिन ये तो थर्मली अनस्टेबल है तो ये क्या दे देगा, ये फर्दर CaO प्लस CO2 दे देगा। अब CO2 यहाँ लिखे ही है, आप CaO केवल करना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ मत लिखिए सर, यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड लिखिए। सो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का रिएक्शन कैसा है? ऑन हीटिंग इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करना है, चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है शायद, देखिए आप, या नहीं है? नहीं है, दो कार्बन है इधर इधर, एक ही कार्बन दिख रहा है मुझे, सो बैलेंस नहीं है। 2 3 है, 4 है, ये 6 है, यहां से 2 लगाने से बैलेंस हो जाएगा, चेक इट। अगर यहाँ 2 CO2 कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा, चेक इट। ऑक्सीजन तो बैलेंस है 4 5 6, हाइड्रोजन 2 कैल्शियम 1 कार्बन 2 बैलेंस डन। तो ये है अपना बाइकार्बोनेट। चलिए बात आई नाइट्राइट नाइट्रेट की, नाइट्रेट पे क्या है? जो ग्रुप फर्स्ट का नाइट्रेट होता है
ग्रुप फर्स्ट मेटल के जो नाइट्रेट होते हैं नाइट्रेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, इसको अगर आप हिट कीजिएगा तो ये टूटता है, नाइट्राइट दे देता है, स्मॉलर वैलेंसी का ये नाइट्राइट दे देता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप NaNO3 को हिट कीजिएगा तो ये आपको NaNO2 दे देगा और प्लस में ऑक्सीजन भी रिलीज कर देगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस। बैलेंस करना हो तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कैसे, NaNO2 NaNO3 दो दो चार 3 × 6 2 × 4 = 6, ठीक है, क्लियर है क्या? देखिए 2 2 यूज कर देंगे बैलेंस हो जाएगा। बात सही है? ठीक लेकिन सर अगर आप ग्रुप सेकेंड के ऑक्साइड को हीट करेंगे, सॉरी नाइट्राइट को हीट करेंगे, नाइट्रेट ऑफ ग्रुप, अगर आप इसको हीट करेंगे देन यू गेट ऑक्साइड प्लस एनओ टू प्लस ओ टू। सो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एनओ टू प्लस ओ टू। कोई दिक्कत तो बोलिए। बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, दैट्स इट। आई होप बैलेंस होगा। सल्फेट थर्मली स्टेबल होता है ग्रुप फर्स्ट का भी ग्रुप सेकेंड का भी, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सल्फेट जो अगर लिखिएगा आप कि अगर सल्फेट लेते हैं आप ग्रुप फर्स्ट का ले या ग्रुप सेकेंड का ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। सल्फेट थर्मली स्टेबल होता है, सल्फेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड आर थर्मली स्टेबल, आर थर्मली स्टेबल, हिट करने पे डिसोसिएट नहीं करता है। सर रिएक्शन विथ N2 देख लीजिए, रिएक्शन विथ N2, ये सारे रिएक्शन टेबुलर फॉर्म में 9th क्लास में SESE बोर्ड के बुक में गिवेन है। दलाल का बुक पढ़े होंगे अगर आप तो मिलेगा, कंसाइज में नहीं है इतना अच्छा से। दलाल के बुक में ये सारा रिएक्शन टेबल के फॉर्म में गिवेन है सारा प्रॉपर्टीज। सो अगर आप N2 के साथ रिएक्शन देखेंगे ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट का, ग्रुप फर्स्ट Na+N2 नो रिएक्शन, ठीक है। बट सर लिथियम तो आपको पता है ना, लिथियम जो है वो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट टाइप प्रॉपर्टीज देता है, मैग्नीशियम टाइप बिहेवियर शो करता है, तो ये बनाता है लिथियम नाइट्राइड Li3N। लिथियम नाइट्राइड बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, नहीं यहाँ 2 लगाना पड़ेगा N2 के चलते, तो यहाँ आप 6 कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 6। व्हाई इट इज लाइक दिस, लिथियम प्लस ओफ, डॉक्यूमेंट्स हैंग कर रहा है आई होप। लिथियम प्लस N2 गिव्स Li3N लिथियम नाइट्राइड, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 बैलेंस। तो मीन्स आपको ग्रुप 2 का भी रिएक्शन पता चल गया कि ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट हैं
वो N2 के साथ नाइट्राइड फॉर्मेशन करेंगे लाइक लिथियम। सो मैग्नीशियम प्लस N2 गिव्स मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2 बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 यूज करेंगे, कैल्शियम प्लस N2 गिव्स कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2। कोई इशू नहीं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें टाइट्रेशन वाले पार्ट में यूज होगा अगर उसको मैं लिख दूं आपको, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, सबको याद है, बहुत बार एग्जांपल लिए हैं हम उसका, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 का। सो फर्स्ट अगर हम लिख दें कि KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन क्या देगा सर, KCl प्लस O2। बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ 2 कीजिए सर, यहाँ 3 कीजिए और यहाँ पे 2 कीजिए, हो जाएगा बैलेंस। सेकेंड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कि सर Na2S2O3 ये जो थायोसल्फेट सॉल्यूशन होता है ये I2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और ये देता है Na2S4O6 प्लस में NaI। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट्स इट। कुछ और का लगेगा क्या, Na2S2O3 है ना, अच्छा यहाँ भी 2 आएगा क्योंकि I2 बैलेंस हो गया, सोडियम इधर 4 हो गया, सोडियम 4 सल्फर 4 3 2 6 ऑक्सीजन 6 बैलेंस है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि FeSO4 अगर इस सल्फेट को आप हीट करेंगे देन यू गेट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। सो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, यहाँ 2 कर लीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। फिफ्थ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स प्योर सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2। सिक्स्थ वन अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 ऑन हीटिंग गिव्स N2O प्लस 2H2। सेवेंथ एंड लास्ट NH4NO2 का हीटिंग करेंगे आप तो यहाँ पे N2O ना दे करके ये N2 देता है प्लस H2O देता है। यहाँ भी बैलेंसिंग के लिए 2 आ जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। चलिए एक और लिख सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 हिट करेंगे यू गेट N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O। बैलेंस कीजिएगा यहाँ 4 लग जाएगा। डन है यहाँ तक, रिएक्शन कंप्लीटेड। यस नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ
इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि सर व्हेन टू सब्सटेंस और मोर देन टू सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्टेड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट देन द इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट आर सेम। कहने का मतलब ये है, इक्विवेलेंस का मतलब समझना, ये जो इक्विवेलेंस है ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, ये बोल रहा है कि सर अगर आप NaOH लेते हो ठीक है और H2SO4 लेते हो, तो आपको पता है ना कि इसको इसका अगर आप 1 मोल लोगे तो NaOH का 2 मोल लेना पड़ेगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए, तभी जाकर के ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो पाए, है ना, और तब जाकर के ये कंप्लीटली Na2SO4 देगा आपको और प्लस में H2O देगा। सो कहने का मतलब है कि आपको इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए। और आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं मोल, ये ग्राम इक्विवेलेंस में हम लोग लिखते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो देखिए इसका अगर आप 2 मोल लीजिएगा तो ग्राम इसका इक्विवेलेंस कितना लिखेंगे, इक्विवेलेंस लिखेंगे 2 इंटू मोल मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर इज 1, तो ये 2 ही आया। और इसका जब आप ग्राम इक्विवेलेंस 1 मोल के लिए निकालेंगे तो मोल इंटू एन फैक्टर 2 इक्वल टू 2 आया, तो आया ना ग्राम इक्विवेलेंस दोनों का बराबर। अगर दोनों का इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस लेंगे तभी ये कंप्लीटली रिएक्ट करेगा एक दूसरे से। तो अगर ये ए बी से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल। नॉट ओनली दैट, यही तक नहीं सर, Na2SO4 जो देख रहे हैं ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म, इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na2SO4, सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट, इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, सो 2 चार्ज है यहाँ पे, 2 सोडियम पे एक एक प्लस चार्ज तो 2, या फिर सल्फेट पे कंसिडर कर लीजिए SO4 2- तो 2, तो इसका भी आ गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलो, समझ में आ रहा है बात। सो ग्राम इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि अगर कोई भी दो सब्सटेंस, हमें नहीं पता वो NaH NaOH H2SO4 हमने लिया तो आपको बता दिया यहाँ पे प्रैक्टिकली कि ऐसे हो रहा है, ऐसे वर्क कर रहा है, लेकिन अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिएक्टेंट के बारे में, अगर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ए और बी दो रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है, तो इट इज डैम श्योर दैट कि इक्विवेलेंस ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी, मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी, मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ डी। क्लियर, दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और देखेंगे कि ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना हेल्प करेगा, टाइट्रेशन टाइप के प्रॉब्लम में कितना इजी हो जाता है इस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अप्लाई करने से। सो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फ्रेंड टू सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस ठीक है, व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर, रिएक्ट्स विथ ईच अदर देन द इक्विवेलेंट ऑफ then the equivalent of one will be equal to that of other. Okay, that of other. Also equal to, equivalent also equal to and इक्विवेलेंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट ऑल्सो इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ इच प्रोडक्ट, द इक्विवेलेंट ऑफ इच प्रोडक्ट, इच प्रोडक्ट कहा नहीं खाता, इक्विवेलेंट ऑफ इच प्रोडक्ट, व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर
then the equivalent of one will be equal to that of other, and equivalent of both reactant also equal to the equivalent of each product. देखिए यहाँ पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है कि इक्विवेलेंट का मतलब सर हम इक्विवेलेंस ग्राम इक्विवेलेंट समझें या इक्विवेलेंट वेट समझें. जब सिंपल इक्विवेलेंस वर्ड यूज करता है या ग्राम इक्विवेलेंट यूज करता है तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट है, लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट यूज करना होगा ना तो वो कंप्लीटली लिखेगा इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट मीन्स नॉट इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इक्विवेलेंट का मतलब हम लोग इक्विवेलेंट वेट समझेंगे या ग्राम इक्विवेलेंट समझेंगे. चलिए अगर हम नॉर्मल एक रिएक्शन लिखें कि ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी गिव्स सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए, या हम लिखें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, बोथ आर सेम थिंग, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी. और इसी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम आपको इतना ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाए, एन फैक्टर निकालना सिखाए, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में कंफर्टेबल हो पाए, ग्राम इक्विवेलेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर पाए किसी तरह के सिचुएशन में. देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे उसे अटेम्प्ट करते हैं. पहला, 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ ऑक्साइड गिव्स ग्राम ऑफ मेटल. ओके, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कैलकुलेट वेट ऑफ मेटल. अब देखिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें वेट ऑफ मेटल ऑफ भाई मोलर मास तो हमें दिए, मोलर मास तो तब पता चलेगा ना जब उसका फॉर्मूला गिवेन होगा. या तो कौन सा मेटल ऑक्साइड है ये फॉर्मूला गिवेन ही नहीं है, फॉर्मूला तो गिवेन ही नहीं है कि कौन सा ये मेटल ऑक्साइड है, लेकिन बताया कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है, लेट्स अज्यूम MO है. और MO कैसे लेंगे सर, मेटल का तो होना चाहिए ना, तो चलिए MXOY है, कोई भी मेटल ऑक्साइड मान लीजिए कर रहा है, हीटिंग से कर रहा है, हीट करने से हो रहा है, या किसी और चीज से रिएक्ट करके हो रहा है. ये भी इंफॉर्मेशन है कि अगर हम ये 1 ग्राम लेते हैं तो ये 2 ग्राम मिलता है हमें, ये दिया गया है. तो इस मेटल ऑफ इक्विवेलेंस हमें कैसे हेल्प करेगा कि सर ये किसी भी प्रोसेस से बन रहा हो मेटल, अगर ये मेटल ऑक्साइड कंप्लीटली कंज्यूम होकर के इस मेटल में कन्वर्ट हुआ है तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ये बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल. ये हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, और ये लिख सकते हैं तो हमारा काम कैसे निकाला जाए, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड गिवन है क्या, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड गिवन है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. अब आप समझिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये हमें निकालना है, वेट मेन है, ये हमें कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है. वेट ऑफ मेटल गिवेन है, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड गिवेन है. अब चैलेंजेस हमारे पास ये है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे निकाला जाए. तो अब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको ये चीज हेल्प करेगा. आपको बताए थे कि आपको अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है गो थ्रू लाइक दैट कि एल्यूमिनियम Al3+ का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए और ऑक्साइड मतलब सल्फेट का SO4 2- का इंडिविजुअल इक्विवेलेंट वेट निकाल के और आप ऐड कर दीजिए, सेम आंसर होने वाला. ये चीजें ये रिजल्ट हमें यहाँ पे हेल्प करेगा. कैसे, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया हुआ है बताइए, 1 ग्राम. वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इन द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन 1 ग्राम, तो लिखिए आप 1 ग्राम. लेट्स अज्यूम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज ई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज ई, लेट्स अज्यूम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, समथिंग इट्स रॉन्ग,
what happened? Stopping sharing application 5. One node closed. Automatically. Okay. Yes. Just a moment, guys. Okay. Just open the chat box. Okay. ठीक है, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल करेंगे, जिसको हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ई है, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है क्या? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम होता है, 8 होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को लिखने के लिए। बताइए, ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, आयोडीन का 127 होता है, डेफिनेशन में लिख पाए थे हम लोग, लिखे थे। So one by, sir, ये EQ में, ये मेटल ऑक्साइड के लिए मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे लेते हैं, ये हमारे पास टास्क है, यही तो हमें निकालना भी है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक ना। तो मेटल के बारे में तो हमें पता नहीं ना वैलेंसी कितना है उसका। अरे भाई, अगर आप Al3+ का निकालते थे तो आपको पता था ना कि एल्यूमिनियम मेटल है, तो 27 इसका मास हुआ और 3 इसका वैलेंसी फैक्टर हुआ, तो आप निकालते थे इसको, 9 हुआ इसका इक्विवेलेंट वेट। तो अभी तो वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए ई है, वेट ऑफ मेटल कितना प्रोड्यूस हुआ है, 2 ग्राम, 2 ग्राम मेटल प्रोड्यूस, 0.2 मे बी, जो भी आंसर होगा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट गाइस, प्रोसेस को समझिए क्यों हो रहा है। अगर आप इस प्रोसेस को समझेंगे नहीं ना, तो ये आपको याद नहीं रहने वाला है लॉन्ग टाइम, आज पढ़ेंगे कल भूलेंगे, ठीक है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो प्रोसेस को समझिए कि हम ये एक्सप्रेशन लिख क्यों रहे हैं, जो देखने में जितना छोटा है ना, ये उतना ही इजिली बुलाता है ये एक्सप्रेशन। अगर आप यहाँ तक आते हैं तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी सिखाना है आपको, कैलकुलेशन तो आप लेंगे। सब इसमें जो केमिस्ट्री यूज हो रहा है उसको समझिए, क्या इक्वेशन में, क्वेश्चन में हम 2 इक्विवेलेंट दिए, सॉरी 0.2 ग्राम दिए, यहाँ भी हमें 0.2 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब कितना आएगा, तो सर E इज इक्वल टू 0.2E प्लस 8 इंटू 0.2, सो इसको इधर लाइए और ये हो जाएगा आपका E माइनस 0.2E इज इक्वल टू 1.6, ये हो जाएगा 0.8 E इज इक्वल टू 1.6, सो E इज इक्वल टू 2। कितना आंसर बताए थे बोलिए, क्या कुछ गलत किए हैं सॉल्व करने में हम, ठीक किए हैं या कुछ गलत किए हैं तो बोलिए। ठीक है क्या, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। चलिए इसी टाइप का आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो। 3 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, 3 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, 3 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड गिव्स 2 ग्राम ऑफ मेटल, गिव्स 2 ग्राम ऑफ मेटल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। एकदम सिमिलर क्वेश्चन या कोई दिक्कत? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। सो क्या हम लोग यहाँ पे डमी चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं है सर, आप डायरेक्ट लिखिए इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू मेटल, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट कैसे लिखें, गिवन वेट 3 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ई 35.5, दिस इज इक्वल टू 2 ग्राम मेटल रिलीज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ई। क्या आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है समझ में, बताइए, क्लियर है? यस सर, ई इज इक्वल टू 71, दिस इज द आंसर। आ रहा है बात समझ में इसका मतलब? तो चलिए थोड़ा सा टफ कर देते हैं इसको। 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट्स,
1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट्स गिव्स 0.86 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट कैलकुलेट वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल करेंगे कीजिए आप लोग आंसर बताइए फास्ट जरा कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या किया जाए बोलिए 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गिव्स दिस मच ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है अब आप इतना समझिए ये नाइट्रेट से सल्फेट में कैसे गया हमें कोई मतलब नहीं है इससे हमें तो बस ये हम कर सकते हैं सर कि मेटल नाइट्रेट अगर मेटल सल्फेट में गया है किसी और भी चीज से रिएक्ट किया होगा वो तो सबका इक्विवेलेंट सेम होना है ना तो हमको तो दो दिया है दो का इन्फॉर्मेशन है दो का इक्विवेलेंट हम सेम कर देते हैं सो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट ठीक है इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट अच्छा ये बात हुई ठीक है मेटल नाइट्रेट का इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाए वेट बाय इक्विवेलेंट वेट मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है ई कर लीजिए आप बताइए कि नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखे नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखे अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये यूज हो कि सर नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए एनओ थ्री माइनस हमको चाहिए एनओ थ्री माइनस कहने का मतलब नाइट्रोजन हो गया आपका 14, 48, 62 क्या हम ठीक लिख रहे हैं आप लिखेंगे 62/1 अब हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसा रहा होगा अगर मेटल बायवैलेंट होगा तो एनओ थ्री का होल ट्वाइस रहा होगा सर या होल थ्रेस रहा होगा सर तो इसीलिए तो हम लोग वहां पे स्प्लिट करके लिखे थे ना कि इस कोफिशियंट से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्विवेलेंट वेट में सो सर हमें सिर्फ नाइट्रेट नाइट्रेट आयन का केवल हमें ये लिखना है क्या लिखना है इक्विवेलेंट वेट लिखना है और उसके लिए हम वेट बाय वैलेंसी फैक्टर मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं तो 62/1 कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट मेटल सल्फेट सो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट क्या आएगा इसका हो गया 0.86 ग्राम डिवाइडेड बाय ये हो गया मेटल का ई प्लस सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे SO42 माइनस मोलर मास कितना ये हो जाएगा आपका मोलर मास 96 आई होप 98 होता है H2SO4 दो H2 माइनस के तो 2 ग्राम 96 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 बन गया इक्वेशन ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्या ये इक्वेशन कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है बोलिए अरे समझता है नहीं समझता है यस सर 0.86 ई प्लस कितना होने वाला है ये 48 सॉल्व कर लीजिए ई का वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आएगा सॉल्व मुझे नहीं करना है सॉल्व आप कीजिए जो भी आएगा वो ई का वैल्यू होगा तो क्या हमें इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है अब कि अगर किसी भी एक इक्विवेलेंट को दूसरे के साथ हमें कैसे ग्राम इक्विवेलेंट हमें कैसे निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे वर्क करता है अंकित क्या है ये चैटिंग बैकग्राउंड अंकित आप वीडियो का बैकग्राउंड देख रहे हैं क्या क्लास में बैठ के बैकग्राउंड फेक है या ओरिजिनल है ग्रेट वेरी गुड वेरी गुड चलिए यहां तक कोई इशू है किसी को नहीं So our next part is
टाइट्रेशन टाइट्रेशन सो टाइट्रेशन क्या होता है सर? तो टाइट्रेशन के केस में खुशी 38, चलिए जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर है, कोई इशू नहीं है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ई का जो भी वैल्यू होगा वो आंसर है, 38 होगा तो ओके है, कुछ और होगा तो भी ओके है, जो भी है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का कुछ क्या कॉन्सेप्ट है नॉर्मल, की किस प्रिंसिपल पे ये टाइट्रेशन काम करता है? तो अगर आप लैब सेटअप देखे होंगे तो स्टैंड होता है, अपने पास एक स्टैंड होता है सर, और इस स्टैंड में एक मार्क्ड ग्लास ट्यूब, स्केल मार्क्ड होता है उस ग्लास ट्यूब पे, वो टाइट किया हुआ रहता है इस स्टैंड में। एक ग्लास ट्यूब टाइट किया रहता है, टाइटेन होता है यहाँ पे, जिसमें कुछ इस टाइप का नॉब बना होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ओपन कॉर्क जैसा कुछ लगा होता है, जिसको खोलते हैं तो यहाँ से जो भी इसके अंदर सॉल्यूशन होता है वो गिरता है। और ये एक फ्लास्क होता है, कॉनिकल फ्लास्क, ड्राइंग थोड़ा ज्यादा अच्छा है बट कोई बात नहीं, आप लोग देखेंगे इसको। और ये जो ग्लास ट्यूब होता है ना सर, इस पे एक स्केल मार्किंग होता है जो कि हमें वॉल्यूम को बताता है, स्केल मार्किंग होता है, ठीक है। सो टाइट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है कि इस कैनोनिकल फ्लास्क में हम लोग एसिड या बेस को, ये कंपोनेंट जो है वो कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, पीपेट के थ्रू से खींचते हैं। ये जो केनिकल फ्लास्क होता है, इस कोनिकल फ्लास्क में पीपेट के थ्रू से हम लोग जितना वॉल्यूम हमें लेना होता है, वो वॉल्यूम मान लीजिए V1 वॉल्यूम, ये हमें नोन होता है, V1 वॉल्यूम हम कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं, ठीक है। और इसकी नॉर्मेलिटी N2 जो होता है वो हमें मेजर करना होता है, इस कितना नॉर्मल ये सॉल्यूशन है ये हमें चेक करना होता है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, मतलब उसके बारे में हमें N2 पता होता है, और V2 जो है वो प्रैक्टिकली पता चलता है, एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। एक्सपेरिमेंटली कैसे? एक्सपेरिमेंटली ऐसे, जैसे ही यहाँ पे एंड पॉइंट आएगा, कलर चेंज आएगा, हम बोलेंगे टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, और यहाँ जो स्केल लगा होता है, ये जो स्केल का मार्किंग है, इस स्केल के मार्किंग से हम इस V2 को रीड कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि N1 V1 इक्वल टू N2 V2 से हम लोग निकाल लेते हैं कि N1 सो N1 का वैल्यू हम लोग N1 V1 इक्वल टू N2 V2 इस N1 का वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन में यूज करके निकाल लिया जाए। आता है बात समझ में? तो प्रिंसिपल ये है टाइट्रेशन का कि टाइट्रेशन के हेल्प से, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से, एक नोन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के हेल्प से, एक अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, किसी अननोन सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया जाता है टाइट्रेशन के हेल्प से। टाइट्रेशन क्या है सर? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग determining concentration concentration of unknown solution of unknown solution by the help of known or standard solution, known or
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के हेल्प से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के हेल्प से निकाला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। कुछ रिलेटेड टर्म है, पहला टर्म जो यूज करते हैं दैट इज टाइट्रेंट, टाइट्रेंट, टाइट्रेंट हो गया, टाइट्रेट हो गया। क्या होता है टाइट्रेंट? द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन whose concentration is to be found out, या फिर लिखेंगे क्या लिख रहे हैं हम लोग, टाइट्रेंट लिख रहे हैं ना। द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन, ऐसे लिखे, कंसंट्रेशन इज नोन एंड जनरली टेकन इन, एंड generally taken in burette, ठीक है। अपना दूसरा टर्म है टाइट्रेंट, टाइट्रेंट हो गया टाइट्रेट। टाइट्रेट द सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन Sir, what is burette? अनोन कंसंट्रेशन रखते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, दिस इज ब्यूरेट विच इज क्लिप्ड इन स्टैंड, जो कि स्टैंड में टाइटेंड है, दैट इज ब्यूरेट द सॉल्यूशन। और इसको तो हम कोनिकल फ्लास्क है, ये कोनिकल फ्लास्क। द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन is to be find out and generally taken in conical flask ya beaker, and generally taken in beaker or conical flask, beaker or conical flask। जो तीसरा टर्म है यहाँ पे जो यूज करते हैं फॉर फिजिकल डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट, दैट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर। ये फिजिकल डिटेक्शन के लिए यूज होता है, कलर चेंज ऑब्जर्व करने के लिए ये इंडिकेटर यूज किया जाता है, जहां पे हमें पता चलता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड पॉइंट आ चुका है। सो व्हाट इज इंडिकेटर? इट इज द एक्सिलरी सब्सटेंस जो कि बहुत ही लेस अमाउंट में यूज किया जाता है, नाम सुने होंगे आप, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, जनरली यही दो इंडिकेटर लैब में अवेलेबल होता है, ब्रोमोथेमोल ब्लू होता है। द एक्सिलरी सब्सटेंस is used for physical detection of balance point और एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, चौथा टर्म है ये। एंड पॉइंट होता क्या है? ठीक है, द पॉइंट एट विच पेनिट्रेशन कंप्लीट होता है,
The point at which reaction is completed between tartrate and tartrate reaction is completed between tartrate and tartrate उसको बोलते हैं एंड पॉइंट. At this point, indicator changes color. Indicator changes color. ठीक है, डन है ये. चलिए देखिए जरा सा यहाँ पे क्या बात है. इंडिकेटर कैसे वर्क करता है ये देखिए. जनरली जो इंडिकेटर होता है ना, जनरली जो इंडिकेटर होता है इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस. ठीक, वीक ऑर्गेनिक बेस. आप एसिड बेस टाइट्रेशन का इंडिकेटर का फंक्शन आप समझिए कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करवा रहे हैं, जैसे कि HCl को आप NaOH के साथ टाइट्रेट करवा रहे हैं, तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है. ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है. अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ट्रीट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा. अब क्या होगा कि अगर एसिड का टाइट्रेशन बेस से करवा रहे हैं तो HCl के कंटेनर में, जहां पे HCl रखा हुआ है, जिस कंटेनर में आपने HCl लिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें अगर आप कोई ड्रॉप ऑफ क्या मिला दे, वीक ऑर्गेनिक एसिड मिला दे, जिस वीक ऑर्गेनिक एसिड का अनडिसोसिएटेड पार्ट और डिसोसिएटेड पार्ट का कलर डिफरेंट होना चाहिए. कलर क्या होना चाहिए ये हम नहीं बोल रहे, कलर डिफरेंट होना चाहिए. ये जो ऑर्गेनिक बेस होता है, जब वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस, यहां पर हम लोग ये एक्सटेंशन में लिख सकते हैं कि which has different dissociated and undissociated form, different color of dissociated or undissociated form, dissociated and undissociated form, dissociated. Dissociated and undissociated form. So, जो weak acid आपने डाला है उसका particular कुछ color है, और मान लीजिए वो colorless है, color नहीं है तो colorless है, वो HCl में आपने डाला, तो अभी इस solution का कोई color नहीं है. जैसे जैसे इसमें drop of base हम add करना शुरू करेंगे, base जैसे जैसे add करने लगेंगे, तो HCl neutralize होना शुरू होगा, concentration of HCl जो है वो neutralize होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, HCl जो है वो salt plus water में convert होने लगेगा, solution neutral होने लगेगा. जिस पॉइंट पे ये कंप्लीट HCl कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीटली ये HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद इस वीक एसिड का नंबर आएगा और ये वीक एसिड टूटना शुरू हो जाएगा. ये जो वीक एसिड होगा वो A- और H+ में टूटना शुरू हो जाएगा. तो अब इस A- का कलर डिफरेंट होता है इस HA से. ये जो HA एक वीक एसिड है, ये इसका आयोनाइज्ड पार्ट का कलर और अनआयोनाइज्ड पार्ट का कलर अलग अलग है.
तो जैसे ही ये अनआयोनाइज्ड पार्ट का कलर एपियर होना शुरू हो गया तो वी फिजिकली डिटेक्ट कि सर ए माइनस का कलर आ रहा है, इसका मतलब अब इंडिकेटर टूट रहा है, दैट मींस हमारा HCl कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है, हमारा एंड पॉइंट आ चुका है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंडिकेटर। तो समझ में आया आपको इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जनरली ऑर्गेनिक वीक एसिड और ऑर्गेनिक वीक ऑर्गेनिक बेस होता है जिसका अनआयोनाइज्ड पार्ट, अनडिसोसिएटेड पार्ट और डिसोसिएटेड पार्ट का कलर डिफरेंट होता है सर। सो हम क्या करते हैं कि अगर एसिड है उसमें एसिडिक इंडिकेटर डालते हैं, कोई बेस है तो बेसिक इंडिकेटर डालते हैं, ताकि बेस के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अगर आप वीक बेस डालेंगे तो वो वीक बेस आयोनाइज नहीं होगा। वीक बेस का मतलब ही है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका कम होता है, वो आयोनाइज नहीं होता है आसानी से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस, चलिए अगर आपको वीक और स्ट्रॉन्ग का ये आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड अगर ज्यादा बहुत क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपना 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, वहां पे हम लोग डिटेल में एसिड बेस डिस्कस करते हैं, पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एसिड कैसे कंपोजिशन लेते हैं। फिलहाल हमें ये समझना है कि प्रिंसिपल कैसे ये वर्क कर रहा है कि इंडिकेटर का ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर अगर आप ले रहे हैं सर, तो वो ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर कब टूटना शुरू होगा, कब डिसोसिएट होना शुरू होगा, जब उसके अंदर का स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम टेट्रेट करवा रहे हैं वो कंप्लीटली टेट्रेट हो जाए, जब वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तब ये इंडिकेटर ब्रेक होना शुरू होगा, और इंडिकेटर जैसे ही ब्रेक होगा एक कलर हमें डिटेक्ट होगा, और ये जो कलर डिटेक्शन है ये फिजिकली हमें बताएगा, फिजिकल डिटेक्शन से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है, हमारा एसिड जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। और जहां पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड HCl, वहां पे हम ग्राम इक्विवेलेंस को इक्वल कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, N1B1 इक्वल टू N2B2, यही तो हम यूज किए थे वहां पे N1B1 इक्वल टू N2B2। कोई दिक्कत? सो सर हमें यहाँ पे कितने टाइप के टाइट्रेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे हमें? टाइट्रेशन का टाइप क्या है अपना, यहाँ पे हमें सबसे पहला टाइट्रेशन पढ़ना है एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। फिर हमें पढ़ना है रेडॉक्स टाइट्रेशन, देन है आपके पास डबल टाइट्रेशन, देन पढ़ेंगे हम लोग बैक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, चैट में लिखिए आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक। फिलहाल हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये 5 टाइप ऑफ टाइट्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या बता रहे थे आप, चैट बॉक्स में लिखिए जरा, साउंड क्लियर नहीं था। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ओके। डन है ये, चलिए। सो इच टाइट्रेशन का पार्ट हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, और एसिड बेस रेडॉक्स डबल प्रेसिपिटेशन, सपना